इसलिए नाम पता और फोन नंबर अपना जरूर, जब हम व्यक्तिगत रूप से आप सबसे मिलेंगे उस समय मुझे सौंप दीजिएगा। अब कल मैंने तनाव मुक्त आनंद में जीवन जीने के विज्ञान के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए थे। आशा करता हूं कि जिन्होंने सुना बातें उनकी समझ में पूरी आ गई होंगी। क्या मैं आश्वस्त हो सकता हूं कि मेरी सीधी साधी भाषा में, सीधे साधे शब्दों में कही गई बातें आपकी समझ में आ चुकी हैं? यदि हाँ तो हाथ उठाए। ओ थैंक यू, आई एम हैप्पी। लग रहा कुछ नए लोग भी आ जाए हैं। जो नए लोग हैं कृपया हाथ उठा दें। थैंक यू, आई एम हैप्पी। एट लीस्ट टुडे यू आर प्रेजेंट, एट लीस्ट टुडे यू आर अवेलेबल। आई एम रियली हैप्पी। हैड यू बीन हियर यस्टरडे, इट वुड हैव बीन मोर एन एंजॉयबल मोमेंट, मोर ए वैल्यूएबल मोमेंट। इट माइट हैव एडेड ए वैल्यूएबल डायमेंशन इन योर लाइफ, बट नथिंग लॉस्ट, इवन टुडे इज सफिशियंट। कल जो कुछ मैंने बताया था उसको, उन्हीं चीजों को पूरा करने के लिए वो कल मैंने एक समझ की क्रांति पैदा करने की कोशिश की थी, दृष्टि में परिवर्तन लाने की चेष्टा की थी। और आज मैं कोई उपदेश नहीं, आपको एक ऐसी क्रिया देने जा रहा हूं। यह क्रिया इतनी संक्षिप्त, इतनी सरल, किंतु इतनी विस्फोटक है कि अगर इसका आपने थोड़ा थोड़ा अभ्यास शुरू कर दिया तो यह क्रिया आपके जीवन में चमत्कार पैदा कर सकती है। क्या क्या चमत्कार कर सकती है? पहली बात, इस संसार में जो आपकी भौतिक आकांक्षाएं हैं, जो आपकी मटेरियल वर्ल्ड की विशेष हैं, एम्बिशंस हैं, उनको पूरा करने में इस क्रिया का अभ्यास आपको बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा। दूसरा, आध्यात्मिक तल पर जो भगवान महावीर की संकल्पना थी कि आपको अपनी आत्मा का अनुभव हो, आप आत्मवान बने, आत्मबोध और आत्म साक्षात्कार की उपलब्धि, 21वीं शताब्दी का व्यक्ति इस क्रिया के अभ्यास से उसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, बड़ी सरलता से, सहजता से, हंसते खेलते नाचते गाते संसार के सारे कामों को करते हुए भी। संजीवनी क्रिया के संबंध में सबसे पहली बात आपसे कहना चाहता हूं, इसका अभ्यास करने से आपके भीतर ऐसे रासायनिक परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, आत्म रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, आत्म क्रांति का शुभारंभ हो जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि जिंदगी में जो आप करना, जो आपको करना चाहिए उस दिशा में आपके कदम उठने लगते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए उस दिशा से आप उल्टे चलने लगते हैं। जैसे आपको शराब नहीं पीनी चाहिए तो उपदेश नहीं देना पड़ेगा आपको कि शराब मत पीजिए। कुछ दिन क्रिया का अभ्यास करने पर आप पाएंगे कि शराब आपसे छूटती चली जा रही। सिगरेट पीते हैं आप, उपदेश नहीं देना पड़ेगा। क्रिया का अभ्यास करते करते कुछ ही दिनों में पाएंगे कि शराब और सिगरेट तो जाती रही। जो भी नशीली चीजें आपके जीवन में प्रवेश कर गई हैं, आपको उनसे मुक्त करने में यह क्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह आपके भीतर ऐसे रसायन को पैदा करती है जिससे आप भीतर भीतर से ही आनंदित रहना शुरू हो जाते हैं। और मेडिकल परीक्षणों में भी पाया गया है कि इस क्रिया के अभ्यास करने वाले के भीतर एंडोर्फिन नामक रसायन भरपूर मात्रा में स्रवण होने लगता है, प्रवाहित होने लगता है, जिससे व्यक्ति नशे की लत से, ड्रग्स से, एडिक्शन से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इसी क्रिया के प्रमुख आयामों को मैंने महामेधा क्रिया में रखा है, जो आपकी संतानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उनके भीतर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस पैदा करने के साथ साथ ड्रग्स जैसे एडिक्शन से, अल्कोहल और शराब जैसे एडिक्शन से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उनके भीतर इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर सकती हैं, इतना मेमोरी और इंटेलिजेंस, कि उनके भीतर जैसे जो सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं,
डिप्रेशन की टेंडेंसीज होती हैं, ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसलिए आज आपको संजीवनी क्रिया का अभ्यास कराऊंगा और एक दो बातें ऐसी बता दूंगा जिसे आप अपने बच्चों को आज यहाँ समझ लेंगे और बच्चों को कराना शुरू कर देंगे तो बच्चों के जीवन में भी, उनके परीक्षा परिणामों में, उनके परफॉर्मेंस में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, कल भी मैंने कहा था, आप मनुष्य अनंत शक्तियों का स्रोत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि मनुष्य अपने उपलब्ध शक्तियों का 5-7% ही उपयोग कर पाता है, शेष सारी शक्तियां सोई पड़ी रह जाती हैं। इस क्रिया के अभ्यास से अगर निरंतर आप अभ्यास करते जाएं तो आप अपनी उपलब्ध क्षमता का अधिकतम उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं, जिसका परिणाम यह होगा कि जो काम आप 100 साल की जिंदगी में नहीं कर पाते वो काम आप 5 साल के भीतर कर लेते हैं, 10 साल के भीतर कर लेते हैं। इसलिए कल भी मैंने कहा था कि आदमी को बहुत लंबी जिंदगी तो मिल नहीं सकती, लेकिन आदमी इतना प्रज्ञावान हो सकता है, इतना समझदार हो सकता है अगर अपनी शक्तियों का अधिकतम उपयोग करे तो इस 70-80 साल की जिंदगी में ही 400-500 साल लंबी जिंदगी का काम कर सकता है अगर अपनी शक्तियों को अधिक से अधिक जागृत कर ले तो। अभी अगर आप 5-7% शक्तियों का उपयोग करते हैं, अगर आप 15-20% शक्तियों का उपयोग कर लें तो समझ लीजिए कि 4-5 गुना लंबी जिंदगी आपको मिल गई। अभी थोड़ा सा समझ की आवश्यकता है। और तीसरी चीज जिस पर भगवान महावीर बहुत बल देते थे कि कोई भी साधना, कोई भी आंतरिक यात्रा, कोई भी आत्मा की ओर अनुभव की दिशा में आपका कदम तभी संभव है जब आप हर प्रकार से प्रथम चरण में शरीर शुद्धि कर सकें। शरीर शुद्धि अत्यंत अनिवार्य है। आप सामयिकी करते हैं, तरह तरह की क्रियाएं करते हैं, अभ्यास करते हैं, तरह तरह के तप, अंतर तप भगवान ने बताए थे जो उस समय के उस युग की परिस्थितियों के लिए उपयोगी थे। मनुष्य के पास बहुत समय था, उस समय का उपयोग कर सकता था। आज आपके पास समय नहीं है, समय का अभाव है। अगर उस सब में लग जाएंगे तो आपके धंधे बंद हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से तो आप 2-4 घंटे का समय वो भी संडे में निकाल के आ पाए हैं। अब आपसे मैं कहूँ कि अंतर तप, बहिर तप, रोज जाकर साधना करो, जंगल में जाओ, मठ में जाओ, आश्रम में जाओ, नहीं संभव। लेकिन शरीर शुद्धि अत्यंत अनिवार्य है। आप सिर्फ नहा लेते हैं और उसके बाद कितनी अद्भुत ताजगी का अनुभव करते हैं, जबकि आपके भीतर के संयंत्र में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है। इस स्थूल शरीर के भीतर बहुत सारा कचरा भरा हुआ है और सूक्ष्म शरीर जो 5 हैं आपके, उन सूक्ष्म शरीरों में भी कचरा भरा हुआ है। जब तक उनकी सफाई ना हो जाए तब तक आप इस जीवन का आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। आप सोचिए, बाहर से नहा लेते हैं तो इतनी ताजगी होती है, अगर भीतरी सफाई हो जाए तो कितनी ताजगी हो सकती है। आप 24 घंटे की जो जिंदगी जीते हैं, तमाम तरह के मनोवेग आपको पकड़ते हैं। आप रास्ते पर जा रहे हैं, एक बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर युवती आपको दिखाई पड़ती है, आपके भीतर काम वासना उद्दीप्त होने लगती है, आपके शरीर में कामुकता का कि बिजली दौड़ जाती है, लेकिन समाज है, नैतिकता है, आप दबा लेते हैं अपनी कामुकता को और आप सोचते हैं कि मैंने बुद्धिमानी से अपनी काम वासना को दबा लिया, बात खत्म हो गई। नहीं, बात खत्म नहीं होती। आपके शरीर में बिजली की तरंगे पैदा हुई, शक्ति पैदा हुई, कामुकता की शक्ति पैदा हुई और उसको आपने दबा लिया, वही जहर बनकर, टॉक्सिन बनकर, ग्रंथियां बनकर, इर्चा तिरछा होकर आपके शरीर में, कहीं खोपड़ी में, कहीं पेट में, कहीं छाती में, कहीं किसी अंग में बैठ जाती है। और ये रोज रोज होता है। एक सुंदर, एक स्लीक सी BMW कार जा रही है, आप अपनी छोटी सी मारुति कार को देखते हैं, आपके मन में ललक हो जाती है कि अपनी BMW कब आएगी, अपनी मर्सिडीज कब आएगी। फिर भी अपने हालात को देखकर दबा लेते हैं मनोवेग को, वो भी टॉक्सिन्स बन जाते हैं,
वो जो बिजली पैदा हुई थी जिसको दबाया, जितना दमन करते जाते हैं आप, क्रोध आता है आपको। बॉस कंपनी के सारे कर्मचारियों के सामने उल्टी सीधी बातें आपको बोल जाता है, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। आप कहते हैं यस सर, आपने बड़ा अच्छा मार्गदर्शन किया मेरा, आपने तो ऐसी चीज़ें बता दी सर, अब आगे की मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद देते नहीं है खाते हो। और भीतर क्या होता है, इतना क्रोध आता है कि ये हरामजादा मेरा बॉस न होता तो इसको 100 जूते मारता मैं भी। ये जो क्रोध की बिजली पैदा हुई और आपने दबा ली, आप ये मत सोचिए कि आप बड़े समझदार हैं, आपने दबा लिया, ये आपके भीतर इकट्ठा हुई और ईर्ष्य तिरछे शरीर में बैठ जाती है, जहर बनकर, ग्रंथियां बनकर, कॉम्प्लेक्सिटीज बनकर, जिसके दो परिणाम होते हैं। एक, आपकी अंतरयात्रा तब तक नहीं संभव हो सकती जब तक उन ग्रंथियों का विसर्जन न हो। दूसरा, यही ग्रंथियां आज आधुनिक जीवन शैली की तमाम बीमारियों को जन्म दे रही हैं। आपको पता नहीं है, चार आदमी अब भी बाबा करे, चार आदमी यहाँ बैठे हैं जिनको पता नहीं है वो ट्यूमर के शिकार होने जा रहे हैं। पता नहीं है, यहाँ भी चार आदमी बैठे हैं, देखिए आपको पता नहीं चलता, बैठे बैठे 1000 बीमारियां आपको घेर लेती हैं जिनका आपको ऐन वक्त पर पता चलता है, जब डॉक्टर कहता है 4th स्टेज का कैंसर है, और तब आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, सारे आपके इत्र मित्र शुभेच्छु असहाय हो जाते हैं। 4th स्टेज का कैंसर, अब क्या कर सकते, कोई चारा नहीं सिवाय 4-6 महीने साल भर झेलने के। उपाय क्या है, वही जो भगवान महावीर ने कहा, निर्जरा शुद्धि। और उस शुद्धि की कीमिया संजीवनी क्रिया के माध्यम से आज मैं आपको उपलब्ध कराना चाहता हूँ। इसका अभ्यास करते रहे तो पुरानी अब तक जितनी आपके भीतर ग्रंथियाँ बन गई हैं वो विसर्जित हो जाएंगी, शरीर से बाहर हो जाएंगी, और नई ग्रंथियों का, नई विषैली ग्रंथियों का बनना बंद हो जाएगा। एक तो आपको सुंदर स्वास्थ्य मिलेगा, आकर्षक आभा से भरा हुआ आभा मंडल, योर फेस विद बी शाइनिंग विद अनयूजुअल ऑरा व्हिच आई कैन कॉल द स्पिरिचुअल ऑरा। एक तो आपका शरीर शुद्ध होगा, निर्मल होगा, आप इस तरह की खतरनाक आधुनिक जीवन शैली की बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। कभी आपको पकड़ने, अगर किन्हीं के भीतर प्रवेश कर रही हैं तो हमेशा हमेशा के लिए उन वो समाप्त हो जाएंगी, फिर आपके शरीर को